भाई बलवान था, सहज में ही बलवान था, तो उसको एक वरदान भी था प्रभु, जो भी योद्धा उसके सामने युद्ध गए, जो आदि शक्ति चौधरी चली जाती थी, तो हमारा भाई बाली उस ललकार को सह नहीं सका प्रभु, और उस राक्षस मायादी के पीछे क्योंकि हम दोनों में स्नेह था, तो मैं भी अपने भाई के साथ पीछे पीछे दौड़ने लगा। चलते चलते एक पहाड़ पर एक गुफा थी, और तो माया भी उस गुफा में घुस गया। तब मेरे ज्येष्ठ भाई बाली ने कहा कि हे सुग्रीव, ये गुफा में जा रहा है, मैं भी उसके पीछे जाऊंगा, और तुम गुफा के बाहर रहना है, और मेरा 15 दिन तक इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। परम विस्तर मेरे भाई ने कहा, हे बलवन, मैं एक मास तक उस गुफा के द्वार पर खड़ा था, फिर क्या देखा प्रभु मैंने कि उस गुफा से रक्त की धारा प्रवाहित हो गई। जब जमन देखा और एक मास हो गया था प्रभु, तब मैंने मन में विचारा कि हमारा भाई मारा गया है, मैं घबरा गया। फिर मैंने ही बनाई बलवन, एक पत्र की शिला उस गुफा में लगा दी प्रभु, और पंपा प्रभु वापस आ गया। बड़ा भेद हुआ प्रभु, मेरा भाई मारा गया था। जब लोगों ने देखा ये राज्य राज्य जो है राज्य में है नहीं, इसका कोई राजा नहीं है, तब तब सब सब पुरवासियों ने प्रभु, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं राजा बनू, जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया भगवान, बना दिया। तत्पश्चात कुछ समय के बाद हमारा भाई बाली आया, और जैसे मैं सिंहासन पर बैठा था, राज्य सभा लगी थी प्रभु, मंत्री इत्यादि सभी परामर्श कर रहे थे। जैसे ही उसने मुझे राजा देखा, शत्रु के भक्त बहुत मारा प्रभु, बहुत मारा। उसने कहा कि सुग्रीव, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं सारे भुवनों में बलवन अपनी आत्मरक्षा के लिए घूमता फिरता रहा, कहीं किसी ने कोई सहायता नहीं की। एक ऋषि ने कहा कि हे सुग्रीव, तुम ऋषि मुख पर बदल जाओ, वहां पर तुम्हारे भाई का श्राप लगा है, वहां वो जाएगा नहीं, यदि वो जाता है तो वहां भस्म हो जाएगा भगवान। कुछ मन में खुशी आई, और मैं इस रिश्वत पर रहता हूँ, फिर भी हृदय खड़ाता रहता है, एकदम इधर से किस समय वो मेरा शस्त्र मारी आ न जाए भगवान, आ न जाए। सर सुग्रीव बाली है, प्रकार की चिंता न करें, मैं बाली को एक ही बाण से समाप्त कर दूंगा, फिर वो चाहे ब्रह्म और शिव की शरण में क्यों ना जाए, फिर भी वह नहीं बच सकता। अच्छा स्वामी, जय नर। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने में भी पाप लगता है। सखा, अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान समझे, और मित्र के धूल के समान दुख को पर्वत के समान समझे। सखा जी, हम आपके हर काम में सहायता करेंगे। काय सुग्रीव सखा राम वीरा, कि मैं आपके सारे दुख को दूर कर दूंगा,
परंतु प्रभु हमारा भाई एक साधारण योद्धा नहीं है, वो तो महान तेजस्वी अतुलनीय बल है। प्रभु उसमें अतुलनीय बल है। आपने कहा वह सब सत्य है, परंतु मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। जय हो प्रभु। सुग्रीव जी चाह रहे थे कि ये मेरे भाई को न मारे, लेकिन परमात्मा ने कह दिया कि सरना सुग्रीव जी, मैंने जो वचन कह दिया वो झूठा नहीं होगा, मैं अवश्य मारूंगा भाई। धनुष मान है परमात्मा के, और कहां जा रहे हैं भैया? लक्ष्मण साइड में परमात्मा सुग्रीव को लेकर के कहां जा रहे हैं? पानी के दरवाजे पर। राम सुग्रीव सुग्रीव जी, अब आप पाली को युद्ध के लिए लड़ा रही है। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा प्रभु। गर्जन से जाए निकट होने पर पाली सरकार के रहूं नहीं सोचो। अरे बेटा तू कितना बड़ा है, देखो मेरे सामने लड़का रहा है। हां जी महाराज, भर के आप जागो हम दोनों करी और एक जोर करी किस किस पर करी है छोटा। Thank you.
महाराज इस समय नहर कर ले जाओ दिल मेरा रात धड़कता है है ना जाने बोले क्या कारण क्यों दया अंध भड़कता है नैनों के घड़ी और कलेजे को ये नहीं तबाह जाता है के लिए जा रहे हो जो इंडिया में मुझे कर लेने दी मुझे लोग नहीं है मुझे गुस्से के मारे मेरा शरीर चला रहा है सब कुछ तो कभी सामने नहीं होता है वो मुझे लगता था कि तुम ही मेरे मंदिर आई तुम ही मेरी पूजा तुम्हें देवता